मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि धार्मिक किताबों में और मनोविज्ञान में क्या रिलेशन, क्या संबंध है? आपको कुछ जानकारी है तो बताइए। देखिए, जैसे आप बार बार मनोविज्ञान की बात करते हैं और धर्म के माध्यम से करते हैं और समाज में उसको देखना भी चाहते हैं, बराबर। ये हाँ चीज़ें आपको देखने में और सुनने में और समझने में भी आएगी। ये मनोविज्ञान क्या चीज़ है? ये मनोविज्ञान जो मन की विज्ञान है, समझे ना, हाँ इसी चीज़ को जो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण जी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह गूढ़ ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। यानी मनोविज्ञान का मतलब होता है भगवान जो, या राम जी हुए या कृष्ण जी हुए, ये इतने बड़े मनोवैज्ञानिक थे कि दूसरे के मन की बात जानने का नाम है, और जो दूसरे के मन की बात को जान ले उस ज्ञान का नाम मनोविज्ञान है। क्योंकि आप कहेंगे कि भगवान कृष्ण दूसरे के मनो की बात कैसे जानते थे, या फिर राम दूसरे के मन की बात कैसे जानते थे, तो यह आप ये खुले शब्दों में समझिए कि भगवान राम और भगवान कृष्ण मनुष्य के हृदय में, जो हृदय है इसी में प्रकाश रूप से रहते हैं। और कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य अगर कोई भी अच्छाई या बुराई बात करेगा तो पहले मन में विचार करेगा। वो आप तो सही बताइए, है, जो मन में रहने वाला है या उसी मन में विचार होगा तो जानेगा कि नहीं जानेगा। जानेगा। इसीलिए जो भगवान के प्रति या सच्चाई या जो सच्चा इंसान है या संत है, यानी ये देखो, दाढ़ी और बालों को रख लेना इनको संत नहीं कहते हैं, हाँ संत ही। ये बात मैं पूछना चाहता था कि जो लोग अभी जो धर्म के नाम पे ऐसा बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, बोलते हैं कि ये हम बहुत धार्मिक हैं, क्या आप दाढ़ी बढ़ा लेने से या वो भगवा पहन लेने से या वो नंगा रहने से ज़्यादा उनके अंदर भगवान का प्रवेश होता है क्या? जैसे मुझे देखो, मुझे कट्टरता कहीं भी पसंद नहीं है। कट्टरता बोले तो रेडिकल लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे धर्म के नाम पे जो लोग एकदम तपस्या करते हैं, गर्मी में अपने आप को जलाते और हैं पैसा नहीं दिखवाओ। और ठंडी में तो मन के अंदर, यानी मन के अंदर वो रहते हैं, तो जो कोई भी मनुष्य अगर कोई विचार कर रखने से पहले या कहना, अच्छाई कहे या बुराई कहे, तो ये दाढ़ी और बाल ये बढ़ा लेने से कोई संत नहीं हो जाता। संत होता है लक्षण, संतों का लक्षण होता है विचारों से पहचाने जाते हैं। क्योंकि जिसके अंदर दया है, इसलिए कि जीव दया अस धर्म न भाई, अगर जीवों पर दया करना है, जीव पर दया करो, ऐसा कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को पीड़ा दो, ऐसा कोई अधम नहीं है, कोई पाप नहीं है। तो जैसे यू दूसरे संदिग्ध को तकलीफ देना वो उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है, नहीं। वो सबसे नॉन रिलीजियस वर्क है। देखिए कृष्ण जी जब ये अठारहों पुराण में, जब 18 पुराण की रचना महर्षि तो व्यास जी महाराज कर दिए, तो 18 पुराण का निचोड़ एक श्लोक निकाले, एक श्लोक सिर्फ। क्या कि तमाम शिष्यों ने सवाल कर दिया कि गुरुदेव 18 पुराण कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? वो भगवे की बात कर रहा था, देखिए बताइए। ये संत का स्वभाव है, ये संत संत का जो लक्षण है, और संत है आपको बड़े मुश्किल से मिला करेंगे। आपके समाज में ही है, आपके अगल बगल में पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन नहीं, लक्षण से देखेंगे आपके तो कहने पाप का पाएंगे। मतलब, आपके कहने का मतलब है कि जैसे बहुत लोग वो दाढ़ी बढ़ा लिए हैं और जैसा टोपी ओपी लगा के रहते हैं, तो उनके अंदर ज्ञान नहीं है और उनके अंदर संत का कोई कैरेक्टर नहीं है, तो सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने से और ऐसा भगवा पहन लेने से वो संत नहीं हो जाते हैं। संत के अंदर एक ज्ञान होनी चाहिए, उनके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, आपके कहने हाँ, का। तो यही चीज तो है, संत के अंदर संत के लक्षण होते हैं। जैसे दुष्टों का, अगर हम दुष्टों को नहीं बताएंगे तो संतों को कैसे पहचानेंगे, संत कौन है, बराबर। दुष्ट कौन है? दुष्ट का स्वभाव देखिए कि झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठ चबेना,
यदि झूठा ही लेना है, झूठा ही देना है, झूठा ही उसका भोजन है और झूठा ही उसका चबाना भी है, और जिससे करहित अनहित यानी जो हित करता है उससे वैर अकारण ही सबका सबों से, वैर अकारण ही सबों से अहित कर अनहित ताहु सो। अगर अकारण ही, क्योंकि दुष्ट का स्वभाव है कि अगर उसका कोई हित करता है उससे भी वैर रखेगा और अनहित करता है उससे भी वैर रखेगा। लेकिन संत का स्वभाव क्या है, कोमल चित दीनन पर दाया अमन क्रम बच मम भगति यमाया। राम जी कहें जिसका चित्त कोमल हो और जो दीन दुखियों पर गरीबों पर दया करता हो और मन और वाणी से मेरी भक्ति करता हो, यानी मेरे मन और वाणी से भक्ति का मतलब ये नहीं हुआ कि अपने आप को, यानी मेरे अंदर जो परमात्मा है मैं ऐसी कोई भी चीज़ है, अगर परमात्मा मेरे अंदर बसा हुआ है तो दूसरे के अंदर भी है। देखिए आपके कहने का मतलब है कि परमात्मा किसी को डराता नहीं, नहीं। लेकिन जो डराता है वो परमात्मा नहीं होता, नहीं हो सकता है। इसलिए तो वो डराने वाला किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर तो हो सकता है कि तुम मुझे वोट नहीं दोगे तो वो ठीक नहीं है। परमात्मा क्यों डराएगा भाई, परमात्मा डराने की जरूरत क्या है, कोई इतना वो पावरफुल है कि वो किसी को डराने की क्यों डराएगा, उसको क्या चीज़ की कमी है, उसको दुनिया, जिसने दुनिया बनाया है उसको किसी चीज़ की कमी तो है नहीं। तुम उसकी पूजा करो ना करो तो उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, उसका जो पोजीशन है उसकी जो स्थिति है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बोलोगे मैं उसका बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मैं उसको ज़्यादा मानता हूँ, मैं कुर्बानियाँ देता हूँ, ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है भाई। परमात्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले, तुम्हारे जैसे हमारे जैसे करोड़ों लोग आए करोड़ों लोग चले गए जो धर्म के नाम पे काटा कटो बोल करते हैं कि मैं सबसे बड़ा धार्मिक हूँ, रास्ते ब्लॉक कर देते हैं और वो जनरेटर लगा देते हैं रास्ते पे, मैंने कई बार देखा है ट्रैफिक जाम कर देते हैं धर्म के नाम पे। कुछ भी धर्म वर्म नहीं है, धर्म है अपनी कामनाओं, अपनी जो डिज़ायर है डिज़ायर से पार पाना, हुरों के चक्कर में नहीं पड़ना, काम क्रोध लोभ मोह। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण न चाहते हुए भी ये लोग क्यों पाप कर्म करते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखो सब कामना के वशीभूत, कामना में सेक्स भी आता है और सेक्स जब पूर्ति नहीं होती है तो लोग उसको अंदर क्रोध आता है। और अब देखिए जैसे कोई एक लड़का है तो उसके अंदर अगर ऐसी भावना है कि वो किसी लड़के से दोस्ती करे तो क्या करेगा, सोचेगा मेरे पास बढ़िया मोबाइल हो बढ़िया बाइक हो मैं हीरो बनूंगा, ऐसे स्टाइल मारूंगा, स्टाइल मार के जाऊंगा तो मेरे से पटेगी। तो उसमें जो बाधा आता है उस तो कई बार चाकूबाजी भी हो जाती है, वो लड़की को काट देता है कभी, या दूसरे लड़कों से मारपीट हो जाती है, लड़की के भाई से मारपीट हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से पार जाना धर्म है, इन सब चीज़ों को अपने इंद्रियों का, इससे बहुत से साधु लोगों को मैंने देखा है, साधु लोग लंगोटे पहनते हैं, अरे कौन सा साधु हो तुम, लंगोटे से इंद्रियां कंट्रोल होती है क्या, इंद्रियां माइंड से कंट्रोल होती है, दिमाग से कंट्रोल होती है, हम लोग साधु नहीं हैं फिर भी हमें लंगोटे की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, फिर भी हमने कंट्रोल किया। कंट्रोल है वो मन से होती है, अपनी कामनाओं को कंट्रोल करना, तुम्हारे अंदर जो डिजायर है उन गलत चीज़ों को देखो, अपने शादी करना गलत नहीं है, दोस्ती करना गलत नहीं है, प्यार करना भी गलत नहीं है, लेकिन उसके बंधन में नहीं बंधना चाहिए। बंधन मतलब उस गहराई में डूब नहीं जाना चाहिए, जैसे पियकड़ लोग है ना बेवड़े लोग वो पीते हैं तो बेवड़ा कैसे होना चाहिए, जैसे हमने दमन जैसी जगह में मैंने रहा है, दमन में दारू इतनी सस्ती कि मैं जहाँ भी जाऊँ फ्री में मिलती है दारू, मेरे दोस्त लोग हैं इतने फिर भी मैंने नहीं पी कभी। देखो मैंने जब दारू पी कभी दोस्त लोगों ने बहुत ज़्यादा वो कर दिया तो कभी हफ्ते में दो बार हो गया, तो कभी दो साल में एक बार भी नहीं होता। ऐसी देखो कि जैसे दोस्त आ गया कोई भी, चलो थोड़ा सा ले लो, चलो भाई कह रहा है तो ले लेते हैं ऐसे ही, लेकिन फिर वो दोस्त बोले लगातार तीन दिन आए तो नहीं भाई, ऐसी दोस्ती और ऐसी तुम रखो अपने पास। मैं जब वहाँ पे जाता था दमन में
तो मेरे दोस्त लोग जो बैठे रहते थे टेबल पे, वो दारू पीते रहते थे, मैं सिर्फ चना खा लेता था। ऐसी कंट्रोल होनी चाहिए। फिर मेरा, मुझे पता नहीं, 2 साल के बाद कभी एक पैक लिया, ऐसा विचार होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं कि कंट्रोल ऑफ माइंड। ऐसा नहीं कि मैं दारू पीऊँ फिर लगातार पीऊँ फिर उसकी आदत बनी। उसी तरह जो कामनाएं हैं, कामनाओं से पार जाना ही धर्म है। लेकिन यहाँ पर तो लोग यहाँ की कामनाओं को तो छोड़ो, वो जन्नत के ही चक्कर में पड़ रहे थे। जन्नत में जाऊँगा, हूरे मिलेंगी, मैं शादियाँ करूँगा के साथ, वहाँ पे पीने के लिए भी